बिहार में लगातार हो रही बारिश की और नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश की वजह से उत्तर बिहार के कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है और लगातार मॉनिटरिंग सेल बनाकर निगरानी रखी जा रही है। मॉनिटरिंग सेल का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हम जल संसाधन विभाग के कार्यालय में है, जहां पे लगातार आप देख रहे हैं कि मॉनिटरिंग की जा रही है और किस नदी में कितना जलस्तर बढ़ा है उसकी पूरी जानकारी दी जा रही है। और बजाबते एक बोर्ड बनाया गया है और उसमें नोट डाउन भी किया जा रहा है, जो भी आंकड़े आ रहे हैं उसको नोट डाउन किया जा रहा है। सर, अपना नाम और परिचय बताएं। मैं रविरंजन है, कार्यपालक अभियंता था। अच्छा रविरंजन जी, इस वक्त बिहार के कई नदियों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, क्या अभी वस्तु स्थिति है? सर नहीं, स्थिति तो नियंत्रण में है और जो तटबंध की निगरानी चौकसी सब जारी है और मतलब स्थिति सामान्य है और जहां है वहां हम लोग का ये सब कंट्रोल में है। अच्छा, अभी जो बढ़ने वाला ट्रेंड है, किस नदी का बढ़ने वाला ट्रेंड है सर, अभी क्या स्थिति है? जैसे हम लोग का जैसे हम लोग ट्रेंड में जैसे कुछ जगहों पर है, जैसे बलतारा है, आपका बेनीबाद है, जैसे बागमती में है, कोसी में है, कमला में कुछ जगहों पर है, ये बढ़ने वाला ट्रेंड है। हाँ, एवं डेंजर लेवल चल रहे हैं, अब अदवारा में है, महानंदा में है, ये सब कुछ जगह पर खतरे के निशान से ऊपर पानी चल रहा है। अच्छा, किसी तटबंध पे प्रेशर वगैरह भी कहीं से कुछ जानकारी दो? नहीं, हम लोग सभी अभी सामान्य है और स्थिति नियंत्रण में है। अच्छा सर, इस वक्त हम जो मॉनिटरिंग सेल में बैठे हुए हैं, यहाँ पे कंट्रोल रूम जो बना हुआ है, इसमें क्या कुछ फंक्शन होता है, यहाँ पे कैसे कुछ? ये हम लोग क्षेत्र से जितने जगह से आते हैं, खैरियत और उनका जो तटबंध की स्थिति है और फिर और क्षेत्र से वर्षापात का आता है, ये यहीं पर सारा हम लोग का बन के और ये हम लोग सभी जगह का DM और जिलाधिकारी मुख्यमंत्री जितने जगह है सब लोग यहाँ से उसको चेतावनी या जो भी है इस तरफ हम लोग NRI सब हम लोग भेज देते हैं। तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे जल संसाधन विभाग के मॉनिटरिंग रूम की, जहाँ पे लगातार निगरानी जारी है। और कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। शिवहर में तटबंध के किनारे रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। लोगों को डर है कि बाढ़ आने पर कहीं उनके घर बह न जाएं। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में काफी ज्यादा दहशत है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। मौजूद हूँ शिवहर जिले के कटैया गांव में और कटैया गांव बाढ़ प्रभावित इलाका है और हर साल बाढ़ से यहां तबाही मचती है। और आप तस्वीर देख सकते हैं, यह रामकली देवी का परिवार है जो बार बार बाढ़ का दंश झेलता है और हालात ये है कि 2 साल पहले इनका बाढ़ में सब कुछ छिन गया था और लोन लेकर इन्होंने फिर से घर का निर्माण किया है और परिवार के साथ किसी तरीके से उसमें गुजर बसर कर रही है। तो रामकली देवी जो है वो लगातार बाढ़ का दंश झेल रही है और रामकली देवी अकेली ऐसी महिला नहीं है जो बाढ़ का दंश झेलने का काम करती है। हर साल इस इलाके में बाढ़ आती है और तबाही मचाने का काम करती है। हालांकि 2 साल पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी तो भारी तबाही मचा था, सैकड़ों कच्चे मकान बाढ़ के पानी में ध्वस्त हो गए थे, क्योंकि इस कटैया गांव के बगल से बागमती नदी गुजरती है और बागमती नदी के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण इस इलाके में बाढ़ आ जाती है। सब गिर गार गए रहे लोग, कर्जा पैसा करके बनावे ले। ओ, तो लोन लेके बनाई है? हाँ, लोन ले। की दिक्कत है छे, घर द्वार गिर जाय छे। अच्छा, लोग लैका फैका लेके बांध पर भागल है। बांध पर हर साल भागे के पड़े? हाँ, बांधों पर घर बनैली तो वो गिर गेले। कि लोगों का कहना है कि जब बाढ़ आता है तो इस पूरे इलाके में नदी का पानी प्रवेश कर जाता है और भारी लोगों को तबाही का सामना करना पड़ता है, घर द्वार सभी बाढ़ की भेंट चढ़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं, क्योंकि संभावित बाढ़ का खतरा सीतामढ़ी और शिवहर जिले में लगातार मंडरा रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। पूर्णिया के 22 अनुमंडल के नदियों में जलस्तर बढ़ने से नदियों में कटाव भी शुरू हो गया है। 22 के ताराबाड़ी गांव में कनकाई नदी का भीषण कटाव हो रहा है। 50 एकड़ से अधिक खेत नदी में समा चुके हैं और अब लोगों की आशियाने पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखाई है, प्रशासन से भी जल्द कटाव निरोधक काम करने की मांग की है। वहीं DM ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कटाव निरोधक काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कि हम लोग जो नदी कटाव से बहुत परेशान हैं,
और देखिए हम लोग का जो खेत खलिहान था सब पूरा कटके नदी में समा गया है और सरकार से ये अनुरोध है कि हम लोग का घर कटने के करीब आ गया है। ये तो खाने पीने का तो ये खत्म हो गया, प्लस रहने का जो मकान है हम लोग का वो भी कटने के कगार में है। तो यही चीज है सरकार से कि कुछ इसका व्यवस्था किया जाए रोकथाम के लिए। फिलहाल के लिए तोरो घर जमीन कटने वाला है। हाँ, को सहारा नहीं मैंने लद्दी तो घोड़े बांगला चलो। हाँ, अगर लगा करके ऐसा ऐसा कटबे तो घोर कट जाए। हाँ, की मांग करे सरकार से? सरकार से ये मांग करे लद्दी बहनों को गुजरा करो। आप लोग भी आए लद्दी बांधनी पर गुजरा से यानी लद्दी नहीं बांधे तो सब बर्बाद है। तो घोड़े तो आया कई दिन मतलब कटाव जो है कई कुछ से सट है। 200 करोड़ का बांध से सट है। 10-15 दिन से है। तुम सारा घोर कटिया बार खेती जमीन ला कटेगा। मोतिहारी के सुगौली में शीतलपुर के पास बना अंडरपास ब्रिज पहली बारिश में भी जलमग्न हो गया और यहां बारिश के बाद 4 फीट तक पानी जमा है। जल जमाव के बीच अंडरपास से गुजर रहा ट्रैक्टर पानी में फंस गया। ड्राइवर ने किसी तरह छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। पानी में ट्रैक्टर को फंसा देखकर किसी की वहां से गुजरने की हिम्मत तक नहीं हुई। और आपको ये बता दें कि ये रास्ता सीधे मुख्यालय से सड़क को जोड़ता है और बारिश की वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। अब बताइए कि अंडरग्राउंड बना और एक ट्रैक्टर फंस गया है, यहाँ के रोड भी फंस गए, खत्म हो गई है। हम खुद रसोईया संघ का कल मीटिंग था, कल 3 तारीख को हम इसी के लिए जा रहे हैं। पुराने रास्ता से जो चालू है उस रास्ते से कितना लोग कट के ये फाटक पर मर गए हैं। अभी जो प्रशासन जो है, जो नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े वादे करके गए हैं, प्रशासन भी मर चुका है और मंत्री विधायक सांसद भी मर चुका है और जनता के मरने के लिए फिर छोड़ दिया गया है। अररिया के परमान नदी के किनारे पूर्व नानू बाबा कुटिया के पास छोटा सा तटबंध बनाया गया था। तटबंध फिलहाल सुरक्षित है और ठीक स्थिति में है, लेकिन जिलेवासियों का कहना है कि गोढ़ी चौक से लेकर के बैरगाछी तक नए तटबंध का निर्माण कराया जाए ताकि अररिया जिला पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सतीश कुमार। अभी हम मौजूद हैं अररिया शहर के परमान नदी तटबंध में। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यह तटबंध का निर्माण जो है दरअसल 15 वर्ष पूर्व किया गया था। उसके बाद करीब 7 वर्ष पूर्व तत्कालीन डीएम हिमांशु शर्मा के समय में जो है इसकी रिपेयरिंग की गई थी। और हम बता दें कि परमान नदी पर बना यह छोटा सा जो तटबंध है तत्कालीन जिला प्रशासन की मदद से यहां पर बनाया गया था ताकि अररिया शहर को जो है बचाया जा सके। बता दें कि 2014 में जो है इसी तटबंध को तोड़कर परमान नदी जो है वो बिल्कुल शहर की तरफ बढ़ गया था और जिसमें सिर्फ अररिया जिले की बात करें तो अररिया जिले में 100 लोगों की मौत जो है बाढ़ में डूबने से हो गई थी। तो काफी विकराल स्थिति थी 2014 में। उसी को लेकर अभी हम निकले हैं तटबंध का जायजा लेने और यह जो है नानू बाबा कुटिया के समीप जो है ये बना तटबंध है। और हम बता दें कि लगातार नेपाल की तराई इलाके और अररिया में लगातार हो रही बारिश के बाद जो है लगातार जो है परमान नदी के पानी में जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, उफान है, जिसकी वजह से एक बार फिर से शहरवासियों को चिंता है। हालांकि यह तटबंध सुरक्षित है लेकिन शहरवासियों का साफ तौर पर कहना है कि अररिया शहर को बचाने के लिए जो है करीब 5 से 6 किलोमीटर का तटबंध नया निर्माण करने की जरूरत है गोढ़ी चौक से लेकर बैरगाछी तक ताकि नदी को बांधा जा सके। सतीश कुमार, न्यूज 18, अररिया। बिहार में मॉनसून आ चुका है। बारिश आने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। पटना समेत बिहार के 16 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। पूरे बिहार में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और बताते चले कि आज पटना समेत बिहार के 16 जिले जो हैं वहां पे भारी बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने जो जारी किया है उसमें पटना, सुपौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिमी चंपारण,
ये वो जिले हैं जहां पे येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और वहीं बताते चले कि सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, भोजपुर, बक्सर, अररिया, किशनगंज के जो इलाके हैं वहां पे भी बारिश की संभावनाएं जो है वो व्यक्त की गई है, जारी की गई है। तो इसको देखते हुए मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि इन तमाम जिलों में जहां पे भारी बारिश की संभावनाएं हैं वहां पे वज्रपात भी हो सकते हैं, तो ऐसे में खुले में लोग जाने से बचें। दूसरी तरफ बताते चले कि जो मौसम विभाग की तरफ से बातें बताई गई है उसके मुताबिक 23 शहरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है, जबकि गोपालगंज की बात करें तो वहां सबसे अधिक वर्षा जो है 90.1 मिलीमीटर हुआ है। और पटना की बात करें तो पटना में अब तक 30% जो है वो 30 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मॉनसून जो है वो अब पूरे स्वाब पे चढ़ने लगा है, और इस दौरान जो है बारिश की जो गति है वो आज पटना समेत 16 जिलों में काफ़ी तेज देखने को मिलेगी। भारी बारिश की संभावनाएं जो है वो व्यक्त की गई है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि उमस और चिलचिलाती धूप से जहाँ लोगों को निजात मिला है, वहीं बारिश जो है वो नवादा में हल्की बारिश से जगह जगह जलजमाव हो गए हैं। स्टेडियम में जलजमाव से खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ गई है। स्टेडियम को संवारने के लिए लाखों रुपए खर्च किए गए लेकिन जलजमाव की समस्या खत्म नहीं हुई। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। तो हल्की बारिश से ही जगह जगह जलजमाव की स्थिति बनी हुई है, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये स्टेडियम की तस्वीर है। स्टेडियम में भी पानी जमा हो गया है और ये स्टेडियम जो है बिल्कुल नदी का रूप ले चुका है, देख सकते हैं आप। लेकिन ये दरअसल नदी नहीं, ये स्टेडियम है जहां पर बच्चे खेला करते थे, लेकिन बारिश के दिनों में ये जगह ऐसी है जहां पर जलजमाव की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं यहां पर खेल नहीं पा रहे हैं। यहां पर देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो पानी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लाखों रुपए खर्च किए गए लेकिन इसके बावजूद भी इसकी सूरत नहीं बदल पाई। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये स्टेडियम की तस्वीर है। जलजमाव की स्थिति बनी रहती है, खिलाड़ियों को यहाँ पर खेल प्रैक्टिस करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मस्ती करते हुए पानी में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जलजमाव की स्थिति लोगों की परेशानी बढ़ाई है, बच्चों की परेशानी बढ़ाई है जो यहाँ पर आकर प्रैक्टिस किया करते थे।